Hello students, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to discuss on topic doriyan and Parda system in Rajasthan. Dori means the hedge. In India, it has its roots in medieval times when a gift in a cash or kind was given to a bride by her family. to maintain her independence after marriage. परंतु धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया हमने वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में विवाह के जो प्रकार थे उसमें सबसे उत्तम उच्च कोटि का विवाह ब्राह्म विवाह था जिसमें अभिभावक या कन्या के माता पिता सुयोग्य वर्ग को ढूंढकर उसके उसका विवाह करते थे और उसके साथ साथ उसे वस्त्र आभूषण अलंकार वगैरह देकर उसको वधू के वधु को वर के साथ विदा करते थे धीरे धीरे इस प्रथा जो कन्या को वस्त्र आभूषण अलंकार दिए जाते हैं वो कुप्रथा का रूप लेती गई मध्यकालीन भारत में दहेज प्रथा के लिए समाजशास्त्री चाइल्ड के अनुसार दहेज वैध धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता अथवा उनके निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है साधारणतया दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है माता पिता का उद्देश्य स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए वो वह वह सभी वस्तुएं अपनी कन्या को देता है जिससे उसका जीवन सुखी बना रहे परंतु धीरे धीरे यह एक ऐसी ऐसी प्रथा बन गई जिसका अनुपालन करना कन्या के पिता को अनिवार्य हो गया दहेज कार्त कोई ऐसी संपत्ति अथवा मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष के माता पिता अथवा अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा किसी व्यक्ति को विवाह के समय पहले या बाद में देना स्वीकार किया गया हो यह परिभाषा भारत सरकार द्वारा पारित दहेज निरोधक अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत दी गई है हम राजस्थान के के अंतर्गत दहेज प्रथा का के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो राजस्थान के हिंदू समाज में राजपूत समाज में प्रायः यह प्रवृत्ति देखी गई है कि कन्या का विवाह अपने से उच्च कुल में यदि कोई कन्या का पिता करना चाहता है तो कुलीन परिवारों की संख्या कम उनके लड़कों की मांग अधिक बढ़ती जाती है यह कोई इतनी प्राचीन प्रथा नहीं है धीरे धीरे इस प्रथा ने एक कुरूति का रूप धारण कर लिया और जो विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता था और वह विवाह दहेज प्रथा के कारण एक बंधन एक कुरुति के रूप में धीरे धीरे बजने लगा उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित नौकरी या व्यवसाय दहेज प्रथा का भी एक कारण बनता गया था शिव नारी शिक्षा का अभाव भी दहेज प्रथा के लिए उत्तरदायी कारण बन गया राजस्थान के समाज में ऊंच नीच की भावना के साथ समाज में स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के मध्य में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ जाने के कारण धन का महत्व तो बढ़ने लगा और इन भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वह कन्या से अधिकाधिक धन वसूल करने लगा जो दहेज के नाम से जानी गई जैसे महल लुमा भवन भौतिक सुख सुविधाओं से सज्जित मकान आदि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध में राजस्थान में बड़ी तेजी से जो औद्योगिकरण हुआ जिससे व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि हुई संयुक्त परिवार का विघटन हुआ और जाति प्रथा के कठोर बंधन ढीले होने लगे अपनी जाति में अच्छा वर मिलना उसे अच्छी दहेज देना पर आधारित हो गया सामाजिक रीति रिवाजों में दहेज एक सामान्य रीति रिवाज बनता गया इसके दुष्परिणाम हम अभी भी हमारे सामने समाज में परिलक्षित होते हैं वस्ताभूषण के उपहार को कन्या को दिए जाते थे धीरे धीरे इसने विकृत रूप धारण कर लिया और प्रतिभा संपन्न स्वस्थ सुंदर और सुशिक्षित कन्या होते हुए भी दहेज की मांग बढ़ने लगी दहेज का दुष्परिणाम नववध के पारिवारिक जीवन में विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी कन्या का पिता अधिक राशि नहीं जुटाने के कारण वह दुखी रहने लगा और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप वह दहेज जुटाने में असमर्थ हो गया दहेज पर प्रथा के दुष्परिणाम के स्वरूप बेमेल विवाह वैश्यवृत्ति कन्या विक्रय आदि प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलने लगा माता पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त दहेज नहीं जुटाने के कारण उनकी पुत्री या कन्या कष्टों में अपना जीवन व्यतीत करने लगी जो उन माता पिता के लिए असहनीय बनता गया इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में नियम अवश्य बनाया गया परंतु पूर्णतया आज भी समाप्त नहीं हुआ है समाज के लिए एक ऐसी कुरुति ने जन्म लिया जिसने कन्या के साथ साथ वर पक्ष को भी एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जो यह प्रथा धीरे धीरे कुरुति के रूप में आई अब शायद इस प्रथा का अंत होना संभावित है बढ़ती हुई शिक्षा की स्थिति को देखकर धन्यवाद